हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, खैरियत हैं। और आज मैं बात करने वाला हूँ, दुबई में आप पीसीसी लेना चाहते हैं, मतलब दुबई पुलिस से आप क्लियरेंस लेना चाहते हैं कि आपने कुछ क्राइम नहीं किया है। तो इसका मतलब यह है कि आप दुबई से बाहर कहीं पे भी उसको यूज करने के लिए सोच रहे हैं, जैसे इमिग्रेशन में आप हो सकता है आप जा रहे हैं यूरोप या कहीं पर भी, या आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं भी कंट्री में आपको फिर चाहिए कुछ जॉब करने के लिए, या किसी भी रीज़न के लिए आपको चाहिए पीसीसी, तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? सबसे पहले तो पीसीसी आप यूए में है तो डायरेक्ट ऑफिस में जा सकते हैं, पुलिस के ऑफिस में नहीं, यूए से बाहर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप इंडिया में, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल में है या श्रीलंका, कहीं पर कोई भी जगह में है, तो आप उधर से भी डायरेक्ट ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड यूए भी आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन उससे बाहर है तो भी आप ऑनलाइन से अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप यूए में बैठे हुए होना चाहिए, पहले इसका सबूत है कि आपके पास इमिग्रेशन आईडी है। आपके पास इमिग्रेशन आईडी नहीं है तो आपका एम्बेसी में जाके फिंगरप्रिंट का एक रिपोर्ट लेके आना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप फिर निकाल सकते हैं, नहीं तो आपका इमिग्रेंट आईडी जो नंबर है वो नंबर भी होगा चलेगा। इमिग्रेंट आईडी नंबर चाहिए, आपका एक ईमेल एड्रेस चाहिए, आपका पोस्ट बॉक्स चाहिए जहाँ पे पोस्ट बॉक्स नंबर डालना होता है, और पासपोर्ट का कॉपी चाहिए, फोटो चाहिए और पैसा चाहिए कंट्री से बाहर 320 दिरहम, और कभी कभी क्रेडिट कार्ड के लिए कुछ लोग पैसा देते हैं, और क्रेडिट कार्ड चाहिए मेन, तो क्रेडिट कार्ड तो इंडिया का या कोई भी कंट्री का नहीं चलेगा, वो चाहिए जीसीसी कंट्री का या यूएई से रिले, यूएई और आसपास का जो कंट्री है वो कंट्री का क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हैं। ईजी भी है, थोड़ा सा होगा तो थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। इफ़ आप इंडिया में हैं और कोई भी कंट्री में है, कंट्री से यूए से बाहर, तो आप निकल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको ये जो फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से कुछ ना कुछ आइडिया तो मिला ही होगा कि कैसे प्रोसीडर होता है, आप प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो कुछ हेल्प चाहिए इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आप क्या हेल्प चाहते हैं और क्या रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ तो नहीं, बस इससे रिलेटेड जो चीज़ आप पूछना चाहते हैं ये वीडियो के नीचे आप पूछ सकते हैं। अभी के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए, आपका टाइम शुभ हो।